हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एग्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये स्कीम क्यों लाई गई, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है और इससे कंट्री को क्या बेनिफिट मिले हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। ओके, इससे पहले भी हमारे कुछ सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने कई कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है, कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की है। तो आज इस सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कितने आइटम्स है वो समझने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम, जैसा कि नाम से लग रहा है कि हार्वेस्टिंग स्कीम मतलब क्रॉप इरीगेशन लाइक दैट फार्मिंग, तो दोनों कंट्री के बीच में जो हार्वेस्टिंग होती है उसकी पार्टनरशिप कैसे की जाए, कौन से प्रोडक्ट के लिए फर्टाइल लैंड किस कंट्री में अवेलेबल है, इस चीज़ को देखते हुए दोनों कंट्री को बैलेंस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए ये स्कीम लाई गई। इस स्कीम के अंडर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट दिए गए, जो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट लिस्ट है उस पे दोनों कंट्री को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ट्रेड बैरियर लगते हैं ड्यूटी के, उनको रिमूव किया गया ताकि दोनों में ट्रेड फ्लरिश हो, ठीक है। तो अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम इज स्टार्ट टू ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसको स्कीम को क्यों स्टार्ट किया कि दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड है वो फ्री हो जाए, ठीक है। तो दोनों ट्रेडिंग पार्टनरशिप को इसका बेनिफिट मिले, इसके अलावा वहां के रहने वाले लोगों को करेक्ट दाम पर, करेक्ट प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, इसलिए दोनों कंट्री आपस में इन प्रोडक्ट को एक दूसरे से सेल करते हैं। जैसे इंडिया में पल्सेस अवेलेबल हैं, अगर थाईलैंड में नहीं है तो थाईलैंड के यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट थाईलैंड में अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज, कॉम्परेटिव एडवांटेज, कॉम्प्रेसिव एडवांटेज, तो वो हम यहाँ पे इंडिया में इम्पोर्ट करेंगे, जिससे कि दोनों कंट्री की ट्रेड को बैलेंस मिलेगा और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो एकदम मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है, दिस इज टू हेल्प द पार्टनरशिप टू ट्रेडिंग कंट्री टू आइडेंटिफाई सर्टेन प्रोडक्ट फॉर द टेरिफ लिबरलाइजेशन पेंडिंग टू कंक्लूजन एफटीए नेगोशिएशन, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्री ने कुछ एनालिसिस किया, उसके बेस पे एक लिस्ट बनाई और वो सर्टेन प्रोडक्ट लिस्ट पे दोनों कंट्री ने टेरिफ लिबरलाइजेशन दिया कि इम्पोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखने की है कि वो कौन से प्रोडक्ट है जिन पे नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में ऑलरेडी दाल अवेलेबल है, पल्सेस अवेलेबल होती है, और हम अगर थाईलैंड से पल्सेस इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे इंडियन मार्केट को उसमें लॉस होगा। इस वजह से हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट का हमें सिलेक्शन इस प्रकार से करना है थाईलैंड के प्रोडक्ट का कि जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है उनको फ्री एक्सेस दिया जाए, ठीक है। इट इज अ प्राइमरी टू कॉन्फिडेंस टू बिल्डिंग मेजर बिटवीन ट्रेड पार्टनरशिप। यहाँ पर लिस्ट ऑफ 82 आइटम्स अंडर दिस अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम है, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, फ्रेश मैंगोस्टीन एंड मैंगोस, फ्रेश एप्पल, ओके, डरलेंस और फ्रेश रेप्टून्स, ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं ये 82 ऐसे आइटम है, क्रेप्स और अदर जो कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में आगे और भी हम जाएंगे, तो ये जो स्कीम है दोनों कंट्री के लिए काफी बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज एस्टेब्लिश इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड साइन 9 अक्टूबर 2003, ठीक है। दोनों कंट्री के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था वो कब हुआ था, 9 अक्टूबर 2003, ओके। अंडर दिस एग्रीमेंट एन अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम कंटेनिंग द कॉमन एग्रीमेंट लिस्ट ऑफ द टैरिफ रिडक्शन एंड एलिमिनेट वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द 1 सितंबर 2004, ओके। तो यहाँ पे जो इस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2003 में अक्टूबर में, और इसको अप्रोक्स 1 ईयर के अंडर सारी चीजें चेक एंड एनालिसिस करने के बाद इसको कम इन टू फोर्स कर दिया गया, ठीक है। तो द डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट्स आर टू प्रमोट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड
एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हारमोनियस मीन्स द ह्यूमैनिटी, फॉर द सेल्वेशन ऑफ द ह्यूमैनिटीज के लिए ये किया गया है। ठीक है, दोनों के डेवलपमेंट के लिए, हाँ हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए दोनों कंपनी ने, और ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए ये एग्रीमेंट किया। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन ट्रेड, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ट्रेड इज टू प्रोवाइड द फोर कंडीशन ऑफ द कॉम्पिटिशंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। ओके, इसके अलावा बात करें, फोर कंडीशंस इन्होंने प्रिपेयर की। इसके अलावा द टू कंट्रीब्यूट एन इजी वे टू रिमूव द बैरियर ऑफ टू ट्रेड हार्मोनाइज्ड एंड द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपस में दोनों चीजों कंट्रीज को प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करने के बाद ये बेनिफिट मिले। ठीक है, एज द एग्रीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विल अकॉर्ड अकॉर्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच इंडियन प्रोडक्ट अपॉन देयर इम्पोर्ट इन टू थाईलैंड। वहाँ पे ड्यूटी पे कंस्ट्रक्शन मिला थाईलैंड में, प्रोवाइडेड दैट द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इज डायरेक्टली कंसाइंड टू थाईलैंड। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज के जो कस्टम में HSN वाइज प्रोडक्ट लिस्ट HSN वाइज फ्री एक्सेस मिला, ड्यूटी फ्री कर दी गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लेते हैं। द पार्टी सेल मेक एवरी एफर्ट क्रिएट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज ने बताई कि क्रिएट ए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मतलब फ्रेंडली बिहेवियर फॉर ईच अदर। ऐसा नहीं कि इंडिया के जो इम्पोर्टर्स हैं वो थाईलैंड के एक्सपोर्टर हैं उनसे फेवरेबल इन्वायरमेंट ना दे, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम करे, ऐसा नहीं है। दोनों ने एक फेवरेबल कंडीशन तैयार कर, जैसे कि दोनों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ पे करें ताकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे जो स्मूथली इकोनॉमिक इकोनॉमी है वो कंट्री की बढ़ती रहे और इंडिया के और थाईलैंड के लोगों को उसका बेनिफिट मिले। बात करें, प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज द एलिमिनेटिंग बैरियर टू ट्रेड इन टू फैसिलिट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर गई है प्रोग्रेसिव लिबरलाइज, प्रोग्रेसिवली मतलब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा चीजों को समझते जाएंगे, उस प्रकार से हम ट्रेड के जो बैरियर है उनको रिमूव करते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो कई सारी चीजें हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि जो एग्रीमेंट है हमारे वो जब तक कम इन टू फोर्स नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है, तब तक हम चीजों को प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बात करें हम गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द टेरिटरीज एंड पार्टीज द रेसिप्रोकल बेसिस। ठीक है, एक दूसरे की मदद यहाँ पे की जाएगी रेसिप्रोकल बेसिस पे, एज वेल एज क्रिएट द ट्रांसपेरेंट एंड लिबराइट फैसिलिटी टू इन्वेस्ट रिजन। ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी रख दी जाएगी। नाउ एक्सप्लोर न्यू एरियाज टू डेवलप अप्रोप्राइट मेजर फॉर क्लोजर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन द पार्टी। ठीक है, यहाँ पे नए एरिया को एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि जब ये अर्ली हार्वेस्ट स्कीम और ये एग्रीमेंट हुए थे उस टाइम चीजों को पूरी तरह से नहीं समझा गया था, तो यहाँ पे क्या कि नए एरिया को जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली द स्कीम विल इम्प्लीमेंटेड देन दैट थिंग नीड टू एनालिसिस कि नए सेक्टर्स क्या आ रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम था अर्ली हार्वेस्टिंग टाइम था, मतलब कि अर्ली मतलब कि इस टाइम पे मोस्टली डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइज नहीं आई थी, तो उस टाइम हमें इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ओके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो इन चीज़ों को देखते हुए नए सेक्टर को, नए एरियाज को यहाँ पे डेवलप करके इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। सो गाइस, एक सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम थी उसका क्या बेनिफिट है कंट्रीज को, ठीक है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कब बना। सो गाइस, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।